फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के इसके आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू ने रिलीज होने के पहले दिन सबसे ज़्यादा ओपनिंग कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है और इस फिल्म में रणवीर कपूर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यदि फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की कहानी और सभी कलाकारों की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमेशा की तरह इस फिल्म में भी काफ़ी जगह गलतियां देखने को मिली। दोस्तों आइए मैं आपको इस फिल्म में हुई 5 गलतियों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गलती नंबर 1, इस सीन में जब संजू हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं तो उनके सर पर दाईं तरफ चोट का निशान होता है, लेकिन जैसे ही अगले सीन में संजू बस में बैठे होते हैं तो ये चोट उनके बाईं तरफ दिखाई जाती है। गलती नंबर 2, दोस्तों इस सीन में जब ये आदमी संजू के पैर के पास गोली चलाता है तो उसने अपना तौलिया अपने पैर पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ था, लेकिन जैसे ये सीन घुमाते हैं वैसे ही तौलिया दूसरी तरफ आ जाता है। तो दोस्तों ये थी 2 गलतियाँ। तीसरी गलती की बात करें तो इस सीन में संजू अपने बाथरूम में सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सोनम कपूर उनकी बाथरूम में आती हैं वैसे ही पता नहीं कैसे मगर संजू के मुँह से सिगरेट गायब हो जाती है। दोस्तों गलती नंबर 4, इस सीन में जब संजू हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं तो उनके पीछे उनकी कोई परछाई दिखाई नहीं देती है, जिसका साफ मतलब है कि रोशनी उनके पीछे से आ रही है, लेकिन जैसे ही संजू हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं तो दूसरे लोग जो बाद में उतरते हैं नीचे उनकी परछाई उनके पीछे दिखाई देने लग जाती है। दोस्तों गलती नंबर 5, उनके ट्रेलर में संजू को ये लड़की भीख देते हुए नज़र आती है और ट्रेलर में संजू अपने पैर को सीधे करके बैठे हुए नज़र आते हैं और हेल्प वाला बोर्ड उनके बगल में रखा हुआ होता है, परंतु फिल्म में दिखाए गए इस सीन में संजू बिल्कुल अलग ही तरीके से बैठे हुए दिखाई देते हैं और हेल्प वाला बोर्ड भी अलग दिशा में रखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की 5 गलतियाँ जो शायद आपने नज़रअंदाज कर दी होगी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएँ। Thanks a lot for watching this video. Take care, दोस्तों. Bye bye.